हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चिल्ड्रन एट वर्क चैप्टर को। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वेलू के बारे में, जो कि अपने घर से भाग जाता है और देखते हैं उसकी जर्नी कैसी रहती है। तो यहाँ पर वेलू की कहानी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वेलू एक लड़का था जो कि 11 ईयर्स ओल्ड था, काफ़ी छोटा बच्चा था। वो अपने घर से भाग गया था। वो भाग कर जैसे तैसे कर कर एक ट्रेन के अंदर घुस जाता है। ट्रेन के अंदर घुसने के बाद उसके पास कोई भी ट्रेन की टिकट तो होती नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होते। इस वजह से वो ट्रेन की टिकट भी नहीं खरीद पाता। तो जब वो ट्रेन के अंदर घुस तो जाता है जैसे तैसे कर कर, लेकिन अब उसको डर लगने लगता है कि कहीं टिकट कलेक्टर उसको पकड़ ना ले। वो फिर भी बचते बचाते वो निकल जाता है वहाँ से, और वो चेन्नई सेंट्रल प्लेटफॉर्म के ऊपर उतरता है। उतरते ही उसके जब वो पैर थे, और जब वो वहाँ पर खड़ा हुआ था थोड़ी देर के लिए चेन्नई सेंट्रल स्टेशन के आसपास, तो उसके पैर जो थे वो कपकपा रहे थे। कुछ तो वो थोड़ा भूखा था इस वजह से कपकपा रहे थे, कुछ वो थका हुआ था, और कुछ उसको डर भी लग रहा था। जिस तरीके से लोग उसकी तरफ देख रहे थे, उसको थोड़ा सा बुरा फील हो रहा था, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। उसको वहीं पर एक पास में बेंच दिखता है, वो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। दो दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था, पीनट्स और जैगरी के अलावा। जैगरी मतलब गुड़ जो होता है, गुड़ और मूंगफली के अलावा उस बेचारे बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया था दो दिनों से। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है उसके साथ। यहाँ पर आता है स्टोरी के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट। उसको एक अजीब सी आवाज़, थोड़ी रफ सी आवाज़ सुनने को मिलती है। उसको एक लड़की दिखती है। जैसे वो देखता है उस आवाज़ की तरफ, सुनता है और गौर करता है, तो उसको एक लड़की दिखती है जो कि उसी की एज की होती है। बहुत लंबी सी उसने बनियान पहनी हुई होती है, और जो वेलू था उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लग जाता है। वो वेलू से उसका नाम पूछती है तो, और गैस करती है कि तुम अपने घर से भागे हो ना तुम अपने घर से। तो ये सारी चीज़ वेलू सुनकर थोड़ा सरप्राइज भी हो जाता है। वो वेलू को एक चीज़ बोलकर आगे बढ़ने लग जाती है कि तुम्हें पता है ऐसे बैठकर खाना नहीं मिलने वाला, तुम्हें बैठे रहोगे पूरे दिन भर भूखे ही। तो ये सारी चीज़ें वो बोल देती है वेलू को। अब ये जो लड़की थी, ये थी रैक पिकर। रैक पिकर मतलब कि जो कूड़ा वगैरह उठाते हैं, जो मतलब बॉटल्स वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें उठाकर बेचते हैं, जो बच्चे उनमें से थी। तो वो अपना सामान वगैरह उठाकर ये सारी चीज़ें बोलकर वेलू को आगे की तरफ जाने लगी। वेलू को ये लगा कि यार यही मेरी आखिरी उम्मीद है, ये लड़की मेरी कुछ हेल्प कर सकती है, तो वो उसको फॉलो करने लगा। अब जो वेलू था उस लड़की को फॉलो कर रहा था, लेकिन एक चीज़ थी जो वेलू को बिल्कुल भी नहीं आती थी, वो थी इंग्लिश। वेलू को बिल्कुल भी इंग्लिश के अंदर थोड़ा बहुत भी साइन बोर्ड्स के ऊपर क्या लिखा है पढ़ना नहीं आता था। वेलू उस लड़की के साथ चलते चलते दोनों ने एक दूसरे से बात करी, और हाँ एग्रीमेंट हुआ, दोनों एक साथ फिर मूव ऑन करने लगे, एक साथ चलने लगे। जब वो रोड पर आ रहे थे तो लड़की ने क्या करा, रोड को उसको क्रॉस करने में हेल्प करी। वेलू को सिखाया कि कैसे रोड को क्रॉस करते हैं। तो उन्हें एक बहुत बड़ा सा साइन बोर्ड दिख रहे थे वहाँ पर, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स, ह्यूज साइन बोर्ड्स थे वहाँ पर, लेकिन वो सब इंग्लिश में लिखे थे। तो इस वजह से वेलू कुछ भी उनमें से समझ नहीं पा रहा था। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि वेलू को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। थोड़ी दूर चलते चलते, बहुत टाइम तक उनको चलते चलते, एक बिल्डिंग दिखती है जिसकी तरफ वो लड़की पॉइंट आउट करती है कि देखो ये बिल्डिंग देखो वेलू। वेलू ने रीड करा उस बिल्डिंग के ऊपर क्या लिखा हुआ था। तो उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ था कि ये सेंट्रल जेल है। वो लिखा हुआ था तमिल के अंदर, तो इस वजह से वेलू ने रीड कर लिया था इजीली। लड़की हंसते हुए वेलू को बोलती है कि थोड़ा संभाल कर रहना, नहीं तो तुम भी इस जेल के अंदर चले जाओगे। वेलू बोलता है लेकिन मैंने तो कुछ गलत करा ही नहीं, तो मैं कैसे जाने लगा जेल के अंदर। गर्ल उसको बोलती है, वो लड़की उसको बोलती है कि ये तो मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि चाहे तुम कुछ गलत करो चाहे तुम सही करो, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम पकड़े ना जाओ। थोड़ी दूर चलते चलते मतलब वो दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे और उन्हें भूख भी लग रही थी। थोड़ी दूर चलते चलते उन्हें एक बिल्डिंग दिखती है जिसका नाम होता है राजेश्वरी प्रसानन कल्याणा मंडपम। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर कुछ फंक्शन हो रहा होता है। तो वेलू ये भी इसलिए पढ़ पाता है इस बिल्डिंग का नाम, क्योंकि ये तमिल में लिखा हुआ होता है। तो वेलू जब हॉल की तरफ देखता है जहाँ पर फंक्शन हो रहा होता है, तो बहुत सारे वहाँ पर लोग होते हैं,
और वेलू लड़की से पूछता है कि क्या हम लोग चुपचाप इन लोगों के बीच में घुसकर खाना खा सकते हैं। तो जो लड़की थी उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि अच्छा पकड़े जाओगे तुम। तो लड़की ज़्यादा उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेती और उसको कहाँ पर ले जाती है, जहाँ पर गार्बेज, जहाँ पर कचड़ा कूड़ा पड़ा होता है। तो वो लोग कचड़े कूड़े के पास जाते हैं, वहाँ पर खाने का मतलब खराब सामान पड़ा होता है, जैसे कि क्रस्ट बनाना होता है। तो वो उसको ऑफर करती है वेलू को। वेलू थोड़ा सा शॉक हो जाता है, वो बोलता है कि क्या हम लोगों का बचा कुचा नहीं खाने वाले, जो लोगों ने फेंक दिया, जो लोगों ने कम्प्लीटली खाना नहीं खाया, हम लोग वो खा लेते हैं। तो वो लड़की मतलब है ना मना करती है वेलू को कि मैं किसी का भी है ना बचा कुचा नहीं खाती, किसी का झूठा नहीं खाती खाना, मैं वही फूड खाती हूँ जो किसी ने झूठा नहीं करा होता। और उसकी तरफ एक वड़ा भी वो ऑफर कर देती है, उसे एक वड़ा भी दे देती है। तो वेलू मतलब बड़े ही उसको इस लुक से देखता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ और ये क्या खा रहा हूँ मैं। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो वो उसको मना नहीं कर पाता और वो खा जाता है उस बनाना को भी और वड़ा को भी। अब थोड़ी देर में उस लड़की को ढूंढते ढूंढते एक और बनाना मिलता है जो वो खुद खा लेती है। थोड़ी देर में ही वो लड़की उस बनाना को खाने के बाद आगे मूव करने लग जाती है। उस लड़की का नाम था जया और वो क्या करती थी अपने लिविंग के लिए, वो जो बॉटल्स वगैरह होती थी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पन्नी वगैरह हो गई, उन सबको कलेक्ट कर कर सेल करा करती थी। और अब उसको अपना काम करना था तो इस वजह से वो आगे की तरफ चलने लगी और वेलू को बोल दिया कि अब तो मेरे को मेरा काम करना है और मैं जा रही हूँ। तो वेलू बड़ा पैनिक में आ गया, वेलू बड़ा टेंशन में आ गया और उसको फॉलो करने लग गया। वेलू को ये टेंशन हो गई कि अब मैं क्या करूँगा, इसके बिना मैं क्या करूँगा, और उसको वो फॉलो करने लग गया। आधे घंटे तक चलने के बाद जब वो लोग एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं तो जया उसको बताती है कि यहाँ पर हम लोगों के घर हैं। वो जो घर होता है वो एक कैनाल के पास में होता है, वहाँ पर पडल्स ऑफ वाटर मतलब बहुत सारा पानी होते हैं, गड्ढों के अंदर पानी भरे हुए होते हैं और बड़े ही अजीब टाइप के घर थे। वे लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था उन घरों को देखकर। उन घरों के ऊपर मेटल की जो शीट्स होती हैं वो डली हुई थी, मतलब लोहे की चादर टाइप जो होती हैं, टायर्स, ब्रिक, वुड एंड प्लास्टिक, बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर पड़ी हुई थी, उन घरों के आसपास भी और उन घरों की छतों पे भी। वो इस टाइप के लग रहे थे घर और उनकी छतें इस टाइप की लग रही थी कि वो कभी भी गिर जाएंगी। वेलू इस टाइप के घर देखकर थोड़ा सा है ना मतलब कंफ्यूज था और थोड़ा सा है ना घबराया हुआ था, क्योंकि उसके जो विलेज के अंदर घर हुआ करते थे वो मड मड के बने हुए होते थे, मतलब मिट्टी के घर होते थे। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए न्यू थी। अब जया क्या करती है, जया अपने जो उसका हर्ट होता है, जो उसका घर होता है, उसके बाहर अपना जो भी उसने कलेक्ट करा होता है कचरा, उसको रख देती है और एक नया बोरा मतलब एक नया सैक उठाती है और वेलू को भी एक नया सैक देती है और उसके अंदर एम्प्टी बॉटल्स वगैरह वो लोग उठाना स्टार्ट कर देते हैं। वेलू को नया सैक देने के साथ साथ वो ओल्ड शूज भी प्रोवाइड करती है जिनके अंदर लेसेस नहीं होते। वेलू को वो सैक के साथ एक स्टिक भी देती है। वेलू ये सारी चीज़ें देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था तो जया उसको एक्सप्लेन करती है कि वो रैग पिकिंग का काम करती थी, जैसे न्यूज़पेपर, प्लास्टिक के ग्लास, प्लास्टिक की बॉटल्स, इन सब चीज़ों को उठाती थी। और वेलू को अगर कोई काम चाहिए था तो वो जो काम करती है वही काम वो वेलू को दे सकती है। और ये सारा सामान वो कलेक्ट करने के बाद क्या करते थे, वो जग्गू को सेल करते थे जाम बाजार के अंदर, जग्गू की शॉप के अंदर जाकर उसको सेल किया करते थे। जग्गू इस सारे सामान को आगे फर्दर फैक्ट्रीज के अंदर सेल करता था, मतलब जो फैक्ट्रीज रिसाइकलिंग का वर्क करती हैं उनको सेल करता था और कुछ अमाउंट ऑफ मनी वो अर्न करता था और इन बच्चों को थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ मनी वो दे दिया करता था। अब वेलू थोड़ा सा हेजिटेट करता है, मतलब उसको थोड़ी सी मतलब हिचकिचाता है वो, उसको थोड़ा सा सही नहीं लगता है। उसको ये लगता है कि मैं चेन्नई में आया हूँ तो क्या मैं कचड़ा उठाने के लिए आया हूँ चेन्नई के अंदर, इतना मैं डरा, इतना मैंने प्रॉब्लम फेस करी, अब मैं कचड़ा उठाऊंगा यहाँ पर आकर। लेकिन फिर उसको फील होता है कि मेरे को अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी मिलने से पहले ये काम भी करना पड़ेगा। तो वो बड़े ही मतलब अपने दुख के साथ, बड़े ही अपने मतलब थोड़ा सा डीमोटिवेटेड होकर जया को फॉलो करने लग जाता है। यहीं पे हमारी स्टोरी एंड होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी ये, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से
जो फूड है उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा रोल प्ले करती है कुछ लोगों की लाइफ के अंदर, कुछ बच्चों की लाइफ के अंदर। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग फूड को कंजर्व करें और लोगों की हेल्प करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी।